Mangalam Mangalam Om Mangalam Mangalam Om Mangalam 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 Om Mangalam Mangalam Om Mangalam Mangalam मेरा नाम है मस्ती वेंकटेश्वर यंगर। ये कहानी मैसूर के एक होसले नामक गांव की है। इस गांव का एक लेखककार जिसके बेटे का नाम रंगा था, उसे पहली बार पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहर में भेजा गया। ये गांव वालों के लिए बड़ी ही खुशी की बात थी, क्योंकि उस गांव में पहला ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ने के लिए बाहर गया था। जब रंगा 6 महीने बाद पढ़ के वापिस आता है तो गांव में एक बड़ी खुशी का माहौल होता है। सबके सब लोग आपस में कहते हैं, अरे चलो रंगा वापिस आया है, आओ चलो उसे देखते हैं दिखने में कैसा लग रहा है। अरे हाँ हाँ चलो देखते हैं रंगा दिखने में कैसा लग रहा है। आंगन में इतने सारे लोगों की भीड़ को देख के रंगा बड़ा खुश होता है। हर कोई ये देख के हैरान था कि रंगा का रंग बिल्कुल नहीं बदला है, वो अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा 6 महीने पहले दिखाई दिया करता था। गांव की एक बूढ़ी महिला उसके पास आती है, उसके छाती को टच करती है और कहती है, अरे वाह मुबारक हो, जनेऊ अभी भी है, इसका मतलब रंगा का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है, अरे मौज लो, रंगा में कोई बदलाव नहीं आया। गांव के एक एक इंसान रंगा को तसल्ली से देखता है और ये समझ जाता है कि रंगा के कद में, उसके रंग में, उसके कान में, उसके नाक में, उसकी पूरी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। रंगा वैसे ही दिख रहा है जैसा 6 महीने पहले दिखा करता था। जितनी भीड़ आंगन में लगी हुई थी वो भीड़ धीरे धीरे करते करते खाली हो जाती है और आंगन में सिर्फ मैं बसता हूँ। मैं रंगप्पा से कहता हूँ, और रंगप्पा कैसे हो तुम? अरे नमस्ते साहब जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? जी मैं बढ़िया हूँ, आपकी कृपा से सब कुछ सुखमय है। अरे वाह, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे, भगवान करें कि तुम्हारा विवाह जल्दी हो। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं अपने घर वापिस आ जाता हूँ। एक दिन रंगा ऑलमोस्ट 3 बजे हाथों में संतरे लिए मेरे घर की तरफ आया। मैंने थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातें की और फिर मैंने उससे पूछा, अरे रंगा तुम विवाह कब कर रहे हो भाई? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं शादी वादी नहीं करने वाला। अरे क्यों, शादी क्यों नहीं करोगे? अंकल मेरा मानना है ना कि शादी अरेंज मैरिज में नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा इन सब चीज़ों में कोई मानना नहीं है कि यार तुम बिना देखे किसी लड़की से कैसे विवाह कर सकते हो। मुझे पता नहीं वो लड़की कैसी होगी और मैं शादी कर लूँ गलत लड़की के साथ तो भैया मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं कुंवारा ही रह जाऊँ। अरे ये कोई रीज़न हुआ क्या? कोई और बात है क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में विवाह करना नहीं चाहता। मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह करना नहीं चाहता जिसको मैंने देखा ना हो। अरे क्या पता वो लड़की छोटी निकल जाए, बेकार निकल जाए, चेहरा उसका बेकार हो, या वो इतनी बालक बुद्धि हो उसमें कि उसको ना पता हो नखून कैसे काटते हैं, तो भाई साहब मेरे बस के नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही कहा सही कहा। चलो बढ़िया है बढ़िया है, और सब बढ़िया? हाँ जी अंकल बढ़िया। चलिए ठीक है जी, नमस्ते 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 नमस्ते। थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। यार रंगा एक बिल्कुल परफेक्ट पति बनने के लायक है। ये किसी भी लड़की से अगर विवाह करेगा तो लड़की बड़ी खुश रहेगी। लेकिन इसने तो बेचारे ने पूरे आजीवन कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया है। यार इस बंदे का विवाह कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये बात ठान लेता हूँ कि हाँ मुझे रंगा का विवाह करवाना है। इसी गाँव में एक रामाराव नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके घर में 11 वर्ष की एक बहुत ही खूबसूरत भतीजी रहा करती थी। उसका नाम था रत्ना। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो शहर में रहा करती थी लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद रामाराव उसे अपने घर में ले आया और अब वो इसी गांव में रामाराव के साथ रहती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, उसको हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। वो बहुत ही सुंदर गाया करती थी, बहुत ही मधुर आवाज में गाया करती थी। ये लड़की रंगा के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसीलिए मैं अगले दिन रामाराव के घर पे जाता हूँ और उसकी पत्नी से कहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी छाछ रखी है, तुम रत्ना को भेज के उसे मंगवा लेना। थोड़ी देर बाद रत्ना मेरे घर पे आती है। उसने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी पहन रखी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है
मैं उसे अपने कमरे में बैठाता हूँ और उसे कहता हूँ, रत्ना तुम एक गाना गाओ ना, एक बहुत प्यारा गाना गाओ। और मैंने पीछे से रंगा को भी बुलावा भेज दिया था। रत्ना बहुत ही मधुर आवाज में गाने लग गई और इसी बीच रंगा भी कमरे की दहलीज तक पहुंच गया। यार ये कितनी ब्यूटीफुल गाना गा रही है, वाओ, मतलब मेरा देखने का मन कर रहा है कि ये लड़की कौन है। पर यार डर लग रहा है, देखो मान लो मैंने झांका और ये लड़की चुप हो गई तो बड़ा बुरा लगेगा मुझे। लेकिन फिर भी यार इतनी प्यारी आवाज़ है, मैं देखना चाहता हूँ कि लड़की कौन है। लेकिन जैसे ही मैं देखने जाता हूँ वो लड़की चुप हो जाती है। प्लीज सर आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ रंगा, रंगा आई आओ, मैंने तुम्हें बुलाया था, बैठो कुर्सी पे बैठो। रत्ना कुछ दूरी पे सर झुकाए खड़ी थी, वो चुप हो गई थी। वो रंगा के आते ही चुप हो गई थी, उसे बड़ी शर्म आने लग गई कि ऐसे कोई अजनबी मेरा गाना सुन रहा था। दोनों एक दूसरे को देखे पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तभी रंगा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपके गाने में विध्वंस पड़ चुका है, तो शायद मुझे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन उसने ये बात कही लेकिन वो कुर्सी से उठा नहीं, उसके हिलने का मन नहीं किया, मैं समझ गया। और इतनी देर में रत्ना शर्मा के वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद रंगा मेरे से बोला, स्वामी जी, ओ स्वामी जी, ये लड़की कौन थी? इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन थी, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है? भाई मैं तो विवाहित हूँ और तुम विवाह करने में रुचि नहीं रखते, तो क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो ऐसे ही पूछा था, तो क्या ये विवाहित नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसका पिछले ही साल विवाह हो चुका है। ओह विवाह हो गया इसका? अरे यार एक लड़की देखी थी, चलो क्या ही कहूँ। ठीक है जी, मुझे मतलब चलना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे और भी कुछ काम याद आ गया, तो मुझे चलना चाहिए। रंगा बहुत ही उदास हो गया। अगली सुबह मैं एक शास्त्री जी के पास गया। उसे मैंने कहा, ओ शास्त्री जी इधर आओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद रंगा को लेके आऊँगा और तुम्हें जो मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, अपना सारा साजो सामान निकाल दो, तुम्हें किसी का भविष्य देखना है। और मैं शास्त्री जी को सब कुछ समझा के आ जाता हूँ कि तुम्हें क्या कहना है। दोपहर के टाइम पे मैं रंगा से मिला। रंगा के चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। पर फिर भी मैंने मजे लेने के लिए कहा, अरे रंगा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई, तुम कहीं खोए खोए दिखाई दे रहे हो, बात बात तो नहीं हो गई है? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे सिर में दर्द है, क्या मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ? अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहता रहूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतनी जल्दी परेशान हो जाए। एक काम करते हैं, तुम्हें मैं शास्त्री जी के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हारा शुक्र और शनि देख के बताएंगे कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। आओ आओ, बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा। क्या बात कर रहे हो शास्त्री जी, अभी तो सुबह हम सुबह 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 अभी मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है, क्या कर रहे हो भैया, सब बोल दोगे क्या? अरे माफ कीजिए, मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। लेखाकार का बेटा जो पढ़ने के लिए बाहर गया था, तुम कब आए भाई? चलो बढ़िया है तुम आ गए तो, और सब ठीक है घर में, सब सही है? अरे शास्त्री जी एक बार जरा इसका फ्यूचर उचर देखो, इसका जो दिमाग है ना उस पर काफ़ी बोझ लग रहा है मुझे, ये काफ़ी परेशान काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहा है। अच्छा जी रुकिए मैं देखता हूँ। मैंने एक किताब निकाली और मैंने देखा कि भैया यहाँ तो इनकी राशि में कुछ कमी लग रही है, तुम्हारी राशि क्या है? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी जो चिंता है ना उसके पीछे एक लड़की का हाथ है। लड़की? क्या मैंने सही सुना, एक लड़की की बात? हाँ जी एक लड़की का हाथ है। कौन है वो लड़की? मुझे क्या पता कौन है वो लड़की, लेकिन मैं उसका नाम पता कर सकता हूँ। वो लड़की समुद्र में पाए जाने वाली किसी चीज के नाम पे है। क्या उसका नाम कमला है? हो सकता है कमला हो सकता है कुछ और हो। कमला नहीं तो रत्ना हो सकती है। रत्ना? रत्ना? अरे रामा राव की भतीजी रत्ना। रंगा भैया तुम रत्ना के बारे में सोच रहे हो?
अरे नहीं नहीं ऐसे कोई, अरे नहीं मतलब ऐसी कैसी बात हो सकती है। अरे शास्त्री जी, लेकिन वो लड़की तो विवाहित है ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है वो लड़की विवाहित हो सकता है वो ना हो, लेकिन मुझे जितना पता है, जितना शास्त्र ने कहा उतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी खुद देख लो। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे बाद में। ठीक है भैया, ठीक है बाय, बाद में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। रास्ते में मैं रामा राव के घर के पास रुका। रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। मैं रंगा को दिखाने के लिए जानबूझ के उसके घर पे गया और जल्दी से एक मिनट के अंदर अंदर बाहर आ गया और मैंने ऐसे कहा, अरे तुम्हें पता है रत्ना विवाहित नहीं है। पर ताज्जुब की बात है, मुझे किसी ने बहुत पहले कहा था कि रत्ना विवाहित है, पर खुशियां मनाओ वो तो विवाहित नहीं है। मौज लो भाई साहब, अब तो है सच में विवाहित नहीं है। यार शास्त्री जी की बात में दम था, देखा शास्त्र का चमत्कार। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शास्त्री जी की बात में दम तो था। क्या बात है, मतलब शास्त्रों में इतना दम होता है कि फ्यूचर बता देता है। हाँ, शास्त्रों में दम तो होता है। उस शाम मैं दोबारा शास्त्री जी से मिला। क्या बात है शास्त्री जी, आपने हूबहू वही बताया जो मैंने आपसे करने को कहा था। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो भविष्य बताया है। हाँ, आपने भविष्य बताया, लेकिन वो भविष्य भी तो मैंने बताया था ना। अरे नहीं भैया, ये शास्त्रों में लिखा था, ये बिल्कुल सच बात है। चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट रंगा की अब शादी जरूर हो जाएगी। एट द एंड रंगा की शादी हो जाती है। कुछ दिन पहले रंगा मेरे घर पे आता है। क्या बात है रंगा, कैसे आना हुआ? अरे वो जो मेरा बेटा है ना श्यामा, उसका आज तीसरा जन्मदिन है, वो 3 साल का हो चुका है। श्यामा, ये तुमने नाम रखा है अपने बेटे का? हाँ जी, मैंने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है। यार तुम दोनों, रत्ना और तुम, कितने बच्चों वाले पति पत्नी हो। मतलब श्यामा कोई नाम होता है, अरे कुछ अच्छा सा नाम रखते यार। पर कोई बात नहीं, नाम रख दिया तो रख दिया है। अच्छा एक बार बताओ, तुम्हारी पत्नी तो 8 महीने की गर्भवती है ना, तो तुम्हारी माँ खाना बनाना बनाती होंगी, तो माँ का हाथ पर बनाने के लिए कोई है या नहीं है? हाँ जी है, मेरी बहन आ चुकी है, मेरी बहन जो है खाना बनाया करती है। चलो ठीक है, मैं शाम को आऊँगा, रात्रि भोजन पर मिलते हैं। जब मैं रात्रि भोजन पर गया तो श्यामा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगा लिया। अब देखो एनिमेशन में तो बिल्कुल मेरे बराबर दिख रहा है, लेकिन भूलना मत श्यामा 3 साल का है। और मैंने उसके गाल पे चुम्बन किया और उसके हाथ में एक अंगूठी पहना दी। और इस तरीके से रंगा और रत्ना खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताते हैं। म्यूजिक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनोहरि।